तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू अदर ब्लॉग। आई होप यू पीपल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ। तो ब्लॉग मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला जो ब्लॉग हिंदी में था तो उतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो सोचा कि हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करूँ क्योंकि थोड़ा बहुत उनको हिंदी बोलने आता है, ज़्यादा नहीं बोलने आता लेकिन जो काम चलाने वाला बोलना आता है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और मैं जाऊँगा अभी नहाने। सुबह का 8 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया है, आज ऑफिस भी है मेरा तो ऑफिस जाना पड़ेगा। तो जल्दी मैं लौटूंगा, 3 बजे लौट जाऊंगा। उसके बाद एक स्पेशल जगह मैं जाऊंगा, मेरे वाइफ के साथ भी जाऊंगा, उसको एक्चुअली बाइक राइडिंग सिखाना है। तो मतलब 50% बाइक राइडिंग सीख गई है तो अभी 50% बाकी है एंड ऑन रोड टेस्टिंग भी बाकी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा वीडियोस, तो आगे जाते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली नहा के आ चुका हूँ, रेडी भी हो गया ऑफिस के लिए, तो देख सकते हैं। तो अभी ऑफिस जाऊंगा, थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि बाहर में इतना कोरोना फैल गया है, तो अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है लेकिन क्या करें, मेरा नौकरी भी ऐसा ही है, काम मेरा ऐसा ही है कि बाहर निकलना पड़ता है हर रोज़, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम होता है। चले निकलते हैं। और इधर आप देख सकते हैं मेरा वाइफ अभी पढ़ाई कर रही है, सामने इसका UPSC भी है, अभी इसका जोरदार पढ़ाई चल रहा है तो अभी पढ़ाई में व्यस्त है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। तो चलिए ऑफिस निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा तक एंड तक देखिएगा और इस चैनल के साथ बना रहिएगा। और इस ब्लॉग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के बिना इस चैनल को ग्रो नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ऑफिस निकलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली ऑफिस से लौट चुका हूँ, आधा घंटे पहले खा पी के आधा घंटा रेस्ट भी ले लिए हैं, अभी जाना है बाइक राइड पे वाइफ के साथ और उसको सिखाना भी है। एक्चुअली वो 50% सीख गई है लेकिन बाकी 50% अभी सीख नहीं पाई है, तो उसके लिए उसको ग्राउंड पे लेके जाऊंगा। लेकिन जो चलाएगी गाड़ी वो अभी सोई हुई है, उसको पहले जगाते हैं। उठो 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 उठो, बाइक चल रही है। ठीक है, तो हमसे वो 5 मिनट का टाइम मांगी है, तो चलिए हम लोग रेडी हो लेते हैं, एकदम जा ग्राउंड पे मिलते हैं हम लोग, चलिए। तो हाय गाइस, फाइनली आ चुके हैं ग्राउंड पे और आप लोग देख सकते हैं इधर मेरा गाड़ी खड़ा हुआ है, होंडा स्पी साइन, और उसको सीखना है गाड़ी बाइक ड्राइविंग सीखना है और सिखाऊंगा मैं, एक्चुअली टीचर मैं हूँ। चलिए गाड़ी इसको सिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो एक्चुअली क्या है कि ये बाइक राइडिंग का शौक मुझे काफ़ी पहले से ही है, तो थोड़ा बहुत राइडिंग हमने सीखा है ऑलरेडी, मतलब इन्हीं से हमने सीखा है, तो अभी बाकी कुछ पार्ट्स बाकी है सीखना, कुछ टेक्निक्स जो है वो मुझे उतना अच्छा से पता नहीं है। तो जो पहला बाइक था वो कौन सा था जो हम वहाँ सीखे थे? ग्लैमर। हाँ, वो ग्लैमर था और अभी ये एसपी शाइन है। आगे आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद बाइक्स। तो चलिए आज हम बाइक सीखेंगे, अगर गिर जाते हैं ना तो हंसिएगा मत प्लीज़, क्योंकि हम सीख रहे हैं, ये मेरा मतलब लर्निंग टाइम है, तो मे भी हम गिर सकते हैं, तो आपको भी पहले से हम बोल दे रहे, अगर हम गिर गए तो सॉरी, आपका बाइक को कुछ हो जाए तो गिरते गिरते सीखता है। ठीक है, तो पहले कोई नहीं, एक्चुअली प्लीज कोई हंसना मत, आप भी मत हंसना, कोई नहीं, गिरेंगे नहीं, होप फॉर द बेस्ट। चलिए इसको सिखाते हैं गाड़ी। एक्चुअली मेरा पहले एक तो गाड़ी था, ग्लैमर का बाइक था, ग्लैमर 125 cc का बाइक था, तो उसको बेच के मैं नया बाइक लिया हूँ एक्चुअली। तो चलिए इसको सिखाते हैं, चलिए और सीखते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, आप लोग आनंद लीजिए। ठीक है, देखिए, एंजॉय करिए। चलिए चलते हैं बाइक राइड के प्रैक्टिस में। आई डोंट नो कि बाइक राइडिंग हमसे कैसे होगा, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। हमारे गुरुजी हैं हमारे साथ, वो हमको सिखाएंगे और हम सीखेंगे और आप एंजॉय करेंगे, हम आपको एंटरटेन करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस ड्राइविंग।
আমি নিউট্রাল করে দিয়েছি হ্যাঁ ছিল না ঠিকই দিয়েছিল आप लोग देखे कैसे वो बाइक चला रही थी और मैं कैसे टीच कर रहा था, भाग भाग के जाना पड़ रहा था क्योंकि गिरा ना दे, क्योंकि नया बाइक है तो थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए। तो इसके लिए आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका मुंह में सुन लेते हैं। नहीं एक्चुअली आज का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हमको थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है
आई मीन फील हो रहा था जब मैं बाइक चला रही थी, बिकॉज इससे पहले जब मैं चला रही थी ना बाइक, मतलब इससे पहले जब मैं सीखी थी तो उस टाइम पे क्या था कि रेगुलर थे हम, तो अभी बीच में ड्यू टू दिस कोविड क्या है कि प्रैक्टिस मेरा छूट गया है, तो जैसे ही प्रैक्टिस छूट गया ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है, बट आई होप कि बहुत जल्दी वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाए, कोविड का सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए। अभी अभी तो कोविड का माहौल चल ही रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम टाइम निकाल के थोड़ा सा एडजस्ट किए, बट अब ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह सकते, अभी हमको घर जाना है। तो आज का जो मेरा मतलब सीखने का जो भी मेरा लेसन था काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो टीचर हमको मिला ना वो एकदम गोबर जैसा टीचर मिला है। अरे हाँ, ये एकदम गोबर जैसा टीचर, एक नंबर टीचर मिला है, इसीलिए वो इतना जल्दी सीख रही है, मतलब 50% था 80% सीख गई है, तो अभी बाकी है सीखना, अभी ऑन रोड भी टेस्टिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे होगा। इतना गोबर जैसा टीचर मिला है ना, इससे अच्छे कोई हमको और सिखा दे। अगर आप लोगों में से किसी को आता है ना मतलब एकदम अच्छे से, अगर कोई हमको सिखाना चाहते हो तो प्लीज़ आप ना कमेंट करना, ठीक है, और जितना 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 हो सके इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक। ठीक है, एक चीज़ मतलब बोलना भूल गया, एक्चुअली अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।